साथियों, मैं एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। चलते हैं, देखेंगे आज हम लोग साइंस के अंतर्गत जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा था, उससे आगे की बात। साथियों, ध्यान रखना है कि जो भी चैप्टर चल रहा है, चार विषय एक एक करके मैं लेकर आपके सामने ला रहा हूं, ताकि आपका पढ़ाई निरंतर चलता रहे और आप इस लॉकडाउन में अपने पढ़ाई को किसी भी रूप में डिसकंटिन्यू ना करें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। साथियों, ध्यान रखना है कि मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज अलग से वीडियो को सिस्टमेटिकली अपलोड किया गया। आप उसको आप एक एक करके सिस्टमेटिकली देखें और उसको फॉलो करें। जो भी चीज बताई जा रही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी को ध्यान में रख करके आपको कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन, जनरल कंपटीशन होता है बीपीएससी लेवल तक, यूपीएससी लेवल तक, ऑब्जेक्टिव सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। तो चलते हैं, साइकोलॉजी की बात को हम आगे कंटिन्यू करने का काम करेंगे, और उसी में कुछ जो ऑर्गन है जो बचा हुआ कोशिका के अंतर्गत, उसकी संरचना और कार्यों को हम यहां पर विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करें। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है सवाल एग्जाम में, नाम है सेंट्रोसोम। तो ध्यान रखना है ये सेंट्रोसोम को। तो सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में तारक काय कहा जाता है, तो एक चीज ध्यान रखना है साथियों कि जीव विज्ञान में ज्यादातर आप जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं, जो भी बातें शब्दावली के रूप में आती है, उसको आप अंग्रेजी में ही याद रखें, हिंदी को जानने का प्रयास ना करें। हिंदी जानते हैं तो ठीक है, नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, वो अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी से ही पूछे जाएंगे। तो चलते हैं, सेंट्रोसोम को देखेंगे हम लोग। लाइसोसोम तक पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, अब सेंट्रोसोम को देखें। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सेंट्रोसोम कोशिका के अंदर की एक संरचना है। तो कोशिका ऐसे हमने बनाया था, एनिमल सेल की बात करें तो एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है और ये लिक्विड है, जिसको हमने पढ़ा है साइटोप्लाज्म के रूप में। अब इसी केंद्रक के नजदीक एक छोटा सा संरचना है गोलाकार, और ये ऐसे दिख रहा है यहां। तो दिखने में चूंकि माइक्रोस्कोप से जब लगाकर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो ये बिल्कुल चमकता हुआ गोलाकार संरचना है, जिससे लगता है कि किरणें बाहर निकल रही है, और इसीलिए नाम पड़ा है तारा का या सेंट्रोसोम। तो ध्यान रखना है कि ये केंद्रक के बगल में एक छोटी सी गोलाकार तारे जैसी संरचना, और इसी को हमने कहा कि यही सेंट्रोसोम है। तो ये ध्यान रखना है सेंट्रोसोम को, और सेंट्रोसोम में जो किरण निकल रहा है, जैसे लगता है तारे जैसे आकाश में चमकते हैं और किरणें बाहर फैलती प्रतीत होती है, तो ऐसे ही किरणें निकलती दिखाई देती, और इन किरणों को यहां पर एक नाम दिया गया जिसे एस्ट्रल रेज कहते हैं। तो इस संरचना की बात, छोटी सी गोलाकार संरचना है और उससे निकलती किरणों को एस्ट्रल रेज कहते हैं। अब यहां पर जो आपको जानना है सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये जो छोटी सी गोलाकार संरचना है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलेगा। ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कोशिका का अंग है। तो पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेंट्रोसोम होता है किस कोशिका में, तो एनिमल। अब यहां पर ध्यान दें कि इसके कार्य की बात करें, तो कार्य में ये लोको मोटरी ऑर्गेन का निर्माण करता है। लोकोमोटरी ऑर्गेन का मतलब होता है प्रचलन अंग, तो ये ध्यान रखना है प्रचलन अंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछेगा एग्जाम में कि लोकोमोटरी ऑर्गेन के निर्माण का कार्य कोशिकाओं में कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है, एनिमल सेल। अब यहां ध्यान रखना है कि लोकोमोटरी ऑर्गेन होता क्या है, प्रचलन। तो सिंपल आप कॉमन समझे प्रैक्टिकली कि लोकोमोशन मतलब होता है स्थान बदलना, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो अंग मदद करे वो अंग लोकोमोटरी ऑर्गन है। जैसे मानव के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन पांव है, लेग, लेग के बदौलत हम चल करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते। तो जो चीज
किसी पिंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है उसको लोकोमोटरी ऑर्गन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना। और कोशिका में लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक है सीलिया और एक है फ्लैजेला। तो ये ध्यान रखना कि सीलिया और फ्लैजेला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो सीलिया और फ्लैजेला दोनों प्रचलन अंग है, ये जो हमने लिखा है ये यही दो तरह के होते हैं कोशिकाओं में। हम लोग आगे जब देखेंगे इसके बाद ही एक और ऑर्गन को देखना है तो देखेंगे उसमें प्रचलन अंग संरचना के बाद। अब यहां पर ध्यान दें कि मान लीजिए कोशिका इसको मूव करना है, कोशिकाएं मोटाइल भी होती है मूवमेंट भी करती है, तो मूवमेंट जब होगा तो इसके बाहर इसको मूव करने के लिए रोएं जैसी संरचना हो, तो जो रोएं जैसी संरचना बनती है इसी को सीलिया कहा जाता है। ये सीलिया है, लेकिन कभी कभी कोशिका में ऐसे लंबा सा एक धागे जैसा संरचना बाहर आता है, और जो लंबा जैसा संरचना है यही फ्लैजेला। तो ध्यान रखना है कि या तो सीलिया की बात करें या फ्लैजेला की बात करें, और ये दोनों प्रचलन अंग है जो कोशिका को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता, और ये दोनों अंग का निर्माण की जिम्मेवारी सेंट्रोसोम पर। तो ध्यान रखना। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम कि सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन के समय, कोशिका जब विभाजन करने लगती तो सेल डिवीजन जब होता है तो उस समय एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पिंडल कहते, और स्पिंडल के निर्माण का कार्य भी सेंट्रोसोम ही करता है। तो ये चार पांच पॉइंट याद रखना है। एनिमल सेल में है, मुख्य रूप से ये कोशिका के केंद्रक के बगल में मौजूद एक छोटे तारे जैसी संरचना है जिससे निकलने वाली किरणों को एस्टर रेज कहते हैं। इसका मेन काम लोकोमोटरी ऑर्गेन का विकास करना, जिसमें सीलिया और फ्लैजेला इंपॉर्टेंट प्रचलन अंग है कोशिकाओं के लिए। इसके अलावा ये सेल डिवीजन के समय स्पिंडल का निर्माण भी करता है। तो ये ध्यान रखना है कि स्पिंडल के निर्माण की जिम्मेवारी भी है इसकी, ये सेंट्रोसोम की बात। अब सेंट्रोसोम के बाद आगे चलें, एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। तो ये ध्यान रखना है सेंट्रोसोम के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या है, क्या इसकी बनावट है और कैसे ये काम करता है सेल के रूप में। तो सबसे पहले तो इस गोल्जी बॉडी के खोजकर्ता का नाम याद रखना, और खोजकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब खोजकर्ता पूछे तो यहां पर वैज्ञानिक का नाम ही जुड़ा हुआ है, नाम है कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी ने ही इसको पहली बार देखा कोशिका में, इसलिए नाम पड़ गया इनके नाम पर कैमिलो गोल्जी। सेंट्रोसोम के खोजकर्ता का नाम पूछे तो ध्यान रखना है कि सेंट्रोसोम के खोजकर्ता का नाम बोबेरी है। तो बोबेरी यहां पर खोजकर्ता जो भी है आपको याद रखना है, तो सेंट्रोसोम का खोजकर्ता जो है वो बोबेरी है। और हर जिसके इन्वेंटर या खोजकर्ता का नाम आपसे पूछे तो उसको ध्यान रखें। अब कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को जो खोजा, ये कोशिका में तीन संरचनाओं का मिला हुआ है एक सम्मिलित संरचना। जैसे जब इसको कोशिका में देखेंगे तो इस प्रकार से ये तीन के समूह में दिखाई देगा, और तीन इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यह काम करता, और इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करता है इसलिए इसको कभी कभी गोल्जी एपरेटस भी लिखा जाता, जिसमें तीन महत्वपूर्ण संरचना। ये जो है इसका नाम है सिस्टर्नी। तो ये ध्यान रखना, ये जो है ये वेसिकल है, और ये जो है ये वैक्यूल। तो तीन इंपॉर्टेंट संरचनाओं के मिलने से गोल्जी बॉडी बना होता, और इसलिए ये तीनों जब मिलकर काम करता है तो इसके द्वारा जो कार्य होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट का एपरेटस का काम करता, उपकरण का, इसलिए इसको गोल्जी एपरेटस भी कहते। तो पहला तो ध्यान रखना है खोजकर्ता का नाम, और ये तीन इंपॉर्टेंट नाम जो इसके संरचना से जुड़ा हुआ है। कभी कभी पूछेगा कि सिस्टर्नी नामक संरचना होता है कोशिका के किस अंग में, तो गोल्जी बॉडी। अब यहां ध्यान देंगे कि गोल्जी बॉडी जो ये तीन एपरेटस है इसके पास, इसके द्वारा दो काम है। एक काम यह पैकिंग और तथा
डिस्ट्रीब्यूशन, ये ध्यान रखना है दो चीज। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण होता, तो ये दो चीज को ध्यान रखेंगे। और समझना क्या है कि जब कोशिका के अंदर चीजों का फॉर्मेशन होता है, जैसे एंजाइम्स बनना है, जैसे हार्मोन बनना है, जैसे अलग अलग तरह के प्रोटीन का निर्माण होना है, अलग अलग कोशिकाओं का फॉर्मेशन होना डेवलपमेंट करके, या बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कोशिका के अंदर होता रहता, तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है कोशिका के अंदर, वो प्रोडक्शन के बाद उसको अलग अलग जगह पर काम के हिसाब से भेजना होता। जैसे प्रोटीन हम पढ़ेंगे, इसके बाद आगे जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, तो उस प्रोटीन के फैक्ट्री में प्रोटीन के निर्माण के लिए एमिनो एसिड चाहिए, और एमिनो एसिड जब बनता है और उसको पहुंचाना होता है राइबोसोम तक, तो उसके पहले उसके पैकिंग की जाती है, और पैकिंग के बाद जहां जहां उन पदार्थों की जरूरत है वहां उसको वितरण कर दिया जाता। तो पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गॉल्जी बॉडी एनिमल सेल में या कोशिका में मौजूद रहता है। तो ध्यान रखना है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, और ये दोनों काम पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का मेन कार्य है इसका। तो कोई भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा तो वो पदार्थ, वो प्रोडक्ट को मार्केट में जाने से पहले, बाजार में उतारने से पहले, उस पर रैपर चढ़ाना, कार्टून में बंद करना, उसको सीएनएफ डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप के पास पहुंचा करके तब जाकर रिटेलर के पास पहुंचता है, जहां से वो सामान एक कस्टमर के पास आ जाता। तो जस्ट लाइक वैसे ही है कि प्रोडक्शन जहां होगा वहां से जहां उसको काम करना उस कहां तक वहां तक ले जाने के लिए पहले पैकिंग होगा, पैकिंग के बाद उसको उस स्थान तक पहुंचाने का ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्जी बॉडी उठाएगा। और इसलिए गोल्जी बॉडी को एक इंपॉर्टेंट उपमा दिया जाता है कि ये जो है मैनेजर है, मैनेजर मतलब प्रबंधक होता। तो ये ध्यान रखना है कि गोल्जी बॉडी को कोशिका का मैनेजर या प्रबंधक कहा जाता है, क्योंकि एक फैक्ट्री में जहां प्रोडक्शन होता है वो पैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम मैनेजर के अंतर्गत ही होता है। तो पहला ये ध्यान रखना कि ये पैकिंग का काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और इसको मैनेजर के रूप में देखा जाए। अब यहां एक और काम है कि गोल्जी बॉडी जो है एक इंपॉर्टेंट काम करता है कि यह सेल प्लेट बनाता है, और ये पूछेगा एग्जाम में। और सेल प्लेट जो बनता है, ये सेल प्लेट का निर्माण का कार्य करे, तो ये ध्यान रखना। तो अब प्रश्न उठता है कि सेल प्लेट होता क्या, जो कोशिका विभाजन में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और कई बार पूछा एग्जाम कि सेल प्लेट बनाने का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करता। अब यहां पर हम देखें कि एक सेल है, तो सेल जो है ये कोशिका है, और हमने पढ़ा था सेल थ्योरी में कि कोशिका को विभाजन करना होता और एक कोशिका से दो कोशिका बन जाता। विभाजन मतलब बंटवारा, तो कॉमन प्रक्रिया है बंटवारे का या डिवीजन का। एक घर में दो भाइयों के बीच आपस में जब बंटवारा होता है तो बंटवारे के पहले मैपिंग कर दिया जाता है कि कितना लैंड है, और उस लैंड के हिसाब से किसका कितना हिस्सा। जब लैंडिंग का मापा मेजरमेंट कर लेंगे तो फिर वहां से एक लाइन खींच देंगे, पार्टीशन कर देंगे। एक ही घर है, उसको बांटना है दो भाग में, तो पार्टीशन करेंगे और पार्टीशन को लाइनिंग के रूप में देखेंगे, और लाइन के हिसाब से वो बट जाएगा दो भाग। तो जब कोशिका डिवाइड करना होता है तो यहां जो पार्टीशन का काम है, उस पार्टीशन के पहले एक इंपॉर्टेंट लाइनिंग खींचा जाता, और ये लाइनिंग को ही यहां सेल प्लेट कहा गया। और जब लाइनिंग खींच देगा तो ये कोशिका बटेगा, और बट करके दो कोशिका में विभाजित हो जाए। तो ये जो बटा यहां से लाइनिंग जहां से खींचा जाएगा वहीं से टूटकर दो भाग में हिस्सा में बटेगा। तो जो लाइनिंग खींचा गया वो सेल प्लेट, और सेल प्लेट के निर्माण की जिम्मेवारी गोल्जी बॉडी की, तो ये ध्यान रखना। अब यहां से आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट और कार्य है इसका कि यह एनिमल में स्पर्म के एक्रोजोम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना है, पूछा एग्जाम में, स्पर्म के एक्रोजोम का निर्माण करता है। तो ये ध्यान रखना कि जो एनिमल होता है उस एनिमल में जो सेक्स सेल है मेल का, तो मेल और फीमेल में सेक्स सेल बनते हैं जिसको गैमिट कहा जाता है।
मेल में स्पर्म कहते हैं, फीमेल में ओवा कहते हैं। तो जो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है प्रजनन के लिए, वो मेल के पास स्पर्म जो बनना है, उस स्पर्म में एक इंपॉर्टेंट संरचना है, उसी का नाम एक्रोजोम। अब यहां पर ध्यान दें तो ये एक स्पर्म का चित्र है ऐसे, तो ये स्पर्म ऐसे बना हुआ है। नॉर्मली स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है जिसमें ये मेन पार्ट है, आगे वाला हेड है, पीछे वाला टेल है, और इस हेड के ऊपर ही एक नुकीला संरचना होता है ऐसे, और इसी में ये गोल्जी बॉडी होता, और गोल्जी बॉडी से ये बना हुआ नुकीला पार्ट जो टिप है, इसी को एक्रोजोम कहा जाता। तो एग्जाम में पूछे कि एक्रोजोम का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो गोल्जी बॉडी के द्वारा। और ये जो चित्र है ये एक मेल के स्पर्म का चित्र है, शुक्राणु का। हम लोग आगे जब प्रजनन चैप्टर आएगा तो और डिटेल में इसको देखेंगे, स्पर्म के फंक्शन को, जहां पर एक्रोजोम के कार्य को हम लोग को देखना। तो ये ध्यान रखना है जो एक्रोजोम है, ये टिप मतलब जो स्पर्म है उसका शीर्ष भाग नुकीला होता है, और उस नुकीले शीर्ष का निर्माण इसी संरचना के द्वारा होता है जिसको गोल्जी बॉडी कहते हैं, और इसी से बना हुआ संरचना एक्रोजोम कहलाता। तो इतना चीज आप गोल्जी बॉडी में ध्यान रखें। तो ये हो गया सेंट्रोसोम, ही गोल्जी बॉडी। अब आगे चलें तो एक संरचना है बहुत इंपॉर्टेंट, नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ध्यान रखना है, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव जालिका कहते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है। और जब इसको देखेंगे कि संरचना की बात करेंगे तो इसकी बनावट देखें तो ये एक सेल है, तो ये सेल है ऐसे, हमने पढ़ा ये सेल, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और इसके बाहर साइटोप्लाज्म है, अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियस को ध्यान देंगे कि इस न्यूक्लियस से एक झिल्ली नुमा संरचना ऐसे ज्वाइंट्स रहती है ऐसे, जो दो तरफ से पकड़े रहती है, ये ध्यान रखना है ऐसे। तो एक तरफ से ये केंद्रक को पकड़े हुए, एक तरफ से कोशिका के सेल मेम्ब्रेन को। तो ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, हमने पढ़ा था बाहरी लेयर, और ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ एक झिल्ली है, और इसी झिल्ली का नाम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसका खोज किया एक व्यक्ति ने, और खोजकर्ता का नाम याद रखेंगे। हमने कहा है खोजकर्ता अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में, तो खोजकर्ता याद रखना है कि खोजकर्ता के रूप में के आर पोर्टर का नाम आता है यहां। तो के आर पोर्टर ने ही इसको पहली बार देखा, और देखा कि एक झिल्ली नुमा संरचना है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ, और बीच में केंद्रक या कोशिका के अंदर केंद्रक कहीं भी है, उसको धागे से झिल्ली के रूप में बांधा गया। जैसे कि गेंद लें और गेंद को दो तरफ से तीन तरफ से धागे से बांध कर खींचे ऐसे, तो गेंद बीच में क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, वो इधर उधर नहीं जा सकेगा। और इस रूप में ये जो संरचना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कोशिका को एक आधार प्रदान करता, चूंकि केंद्रक के एस्टेब्लिशमेंट में मेन भूमिका होती है, इधर उधर न मूव करे, अस्थायित्व प्राप्त करे, स्टेबिलिटी मिले। और ये स्टेबिलिटी किसी भी सिस्टम में जब एनिमल या प्लांट्स की बात करते हैं तो ये देने का काम जो होता है वो स्केलेटन का होता है। स्केलेटन मतलब कंकाल। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी शरीर में स्टेबिलिटी या आधार प्रदान कंकाल करता है। जैसे हमारे बॉडी को ही लें तो हमारा शरीर में बहुत सारे ऑर्गेन, जैसे चलेंगे अंदर तो फेफड़ा मिलेगा, किडनी मिलेगा, हृदय मिलेगा, लीवर मिलेगा, और सब अपने अपने जगह पर फिक्स है, इधर उधर नहीं जा सकता। तो क्यों नहीं जाता है, क्योंकि शरीर बॉडी जो बना हुआ वो कंकाल से बना हुआ, चेस्ट में पिंजरा नुमा पसलियां जैसे फंसी हुई है, और उसी के बीच में हृदय फेफड़ा व्यवस्थित किया गया, जो हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां पर ध्यान रखना कि कंकाल का जो काम है फिक्स करने का बॉडी के ऑर्गेन को, अंगों को, वही काम यहां इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता, और इसलिए इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहा जाता है, स्केलेटन ऑफ द बॉडी। तो ये पूछा एग्जाम कई बार कि कोशिका का कंकाल कहते हैं किसे, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां ध्यान रखना है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
जो दिख रहा है दो तरह का होता है। तो ध्यान रखना है कि यह टू टाइप्स में होता है, दो तरह का। और टू टाइप्स जब स्टडी करेंगे तो पहला जो होगा वो एस ई आर होगा और दूसरा जो होगा वो आर ई आर कहलाए। तो ये ध्यान रखना है एस ई आर और आर ई आर। अब यहां ध्यान देंगे कि एस ई आर आर ई आर में अंतर क्या है। तो अगर ऐसे देखें इसको तो इस झिल्ली पर अगर इस प्रकार की संरचना मिले जिस पर डॉट डॉट्स दिखाई दे, तो डॉट डॉट्स का मतलब कैसा समझें कि एक धागा लें, एकदम फ्रेश धागा जो कहीं ब्रेक नहीं हो, टूटा हुआ ना हो, तो धागे को छुएंगे तो धागा बिल्कुल स्मूथ मिलेगा आगे से पीछे तक। लेकिन धागे में बीच बीच में गांठ लगा दे, तो बीच बीच में गांठ लगा तो जहां गांठ मिलेगा छुएंगे तो वहां रफ लगेगा, खुरदरा लगेगा। तो इसी तरह से गांठ के रूप में डॉट्स दिखाई पड़ता है। डॉट्स जो है ये डॉट कोई साधारण डॉट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है जो हम लोग को पढ़ना है, नाम है राइबोसोम। तो मुख्य रूप से ये राइबोसोम का डिपोजिशन। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का, एक वैसा जिसके ऊपर राइबोसोम जमा हुआ हो, डिपोजिट हो, वहां पर जाकर के वो सिचुएटेड हो गया हो, तो जिस पर राइबोसोम जमा मिलेगा उसको मानेंगे वो रफ है, क्योंकि वहां डॉट्स दिखेगा धागा में, जैसे गांठ रहेगा डॉट दिखे, और इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और जिस पर राइबोसोम जमा नहीं होगा उसको स्मूथ कहेंगे, मतलब यहां पर विदाउट राइबोसोम होगा और यहां जो होगा विथ राइबोसोम होगा। तो ये ध्यान रखना है, एक पर राइबोसोम होगा एक पर राइबोसोम नहीं होगा। तो जिस पर राइबोसोम नहीं होगा वो स्मूथ लगेगा, चिकना लगेगा, इसलिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा कि वैसा जिस पर राइबोसोम मौजूद होगा वो खुरदरा दिखेगा और खुरदरा नेचर की वजह से इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो विथ मतलब राइबोसोम के साथ और विदाउट मतलब बिना राइबोसोम का। तो बिना राइबोसोम का है तो एससीआर और राइबोसोम के साथ है तो आरईआर। अब यहां ध्यान रखना कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन के निर्माण की वजह से इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और प्रोटीन की फैक्ट्री के वजह से यहां ध्यान रखना है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक उपमा दिया जाता है कि यह वह अंग है जो प्रोटीन की फैक्ट्री के लिए, प्रोटीन की फैक्ट्री के लिए जगह उपलब्ध कराता है। तो यह ध्यान रखना कि जगह स्पेस चाहिए, कोई भी आप फैक्ट्री लगाएंगे तो लैंड चाहिए, सबसे पहले प्राइमरी नीड्स होता है भूमि, उसके बाद पूंजी लगती है, उसमें मशीनरी लगते हैं तो वो फैक्ट्री रनिंग पोजीशन में आ जाता। तो सबसे पहले जो लैंड चाहिए उस लैंड के लिए एक स्पेस दे रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एग्जाम में कॉन्सेप्चुअली कभी कभी पूछता कि प्रोटीन की फैक्ट्री के लिए जगह उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी या कार्य कौन करेगा, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा और उसमें आर ई आर वाला करेगा। ये एसीआर पर राइबोसोम है नहीं, तो जो है वो आर ई आर पर। और ये ध्यान रखना है कि राइबोसोम क्या है, तो ध्यान देंगे राइबोसोम को यहां पर। तो राइबोसोम भी एक स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है, चूंकि आया है तो यहीं पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो राइबोसोम ध्यान रखना है कि सेल में एक दानेदार संरचना है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, दाना दाना दिखता और कई जगह पर मिलता, और जहां जहां मिलता उसको ध्यान रखना। जैसे सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म में मिले, मतलब जो द्रव है उसमें तैरता हुआ दिखेगा। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, हरित लवक में। इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मिलता है। तो ये ध्यान रखना है कि इन सब जगहों पर ये पाया जाता है। एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। तो ध्यान रखना है कि राइबोसोम है एक अलग स्ट्रक्चर है ये, और ये स्ट्रक्चर दानेदार संरचना है जो कई जगह, कहीं लिक्विड पर मिलेगा, कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मिलेगा, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, इन सभी जगहों पर यह पाया जाता है। और ये दानेदार है, इसका कोई बेसिक संरचना नहीं है। जैसे पानी लें नदी का और उसमें बालू के कण जैसे तैरते दिखते हैं, वैसे ही ये कहीं कहीं पर कोशिका के अंदर तैरता हुआ दिखाई पड़ता।
अब यहां पर इसका काम जो है, इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन का निर्माण करना राइबोसोम का मेन फंक्शन है। निर्माण करेगा कैसे? तो निर्माण जो करना है वो एमिनो एसिड को अरेंज करके करना। हम लोग पढ़ेंगे जब प्रोटीन एक चैप्टर में डाइजेशन में, तो पता चलेगा कि प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 तरह के एमिनो एसिड चाहिए, और 20 एमिनो एसिड से बॉडी के लिए जितने प्रोटीन की जरूरत होती है सब का फॉर्मेशन हो जाता। तो उस एमिनो एसिड को अरेंज करने की जिम्मेवारी राइबोसोम की है। तो राइबोसोम उसको व्यवस्थित कर देता है, जैसा प्रोटीन चाहिए उस रूप में उसको डिजाइन करता है, प्रोसेस करता है और एक नया प्रोटीन बना देता है इसको यूज करके एमिनो एसिड। और इसलिए इसको नॉर्मली राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता। तो ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा एग्जाम कि प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है किसको, तो राइबोसोम। अब यहां ध्यान रखना कि राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स। तो दो तरह का मिलेगा, और ये जो मिलेगा उसको ध्यान देना है कि एक जो मिलेगा उसको 70S कहा जाता है, और दूसरा जो होता है इसको 80S कहते। तो दो तरह का राइबोसोम, यहां पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। S का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट होता है, स्वेडबर्ग इकाई। तो स्वेडबर्ग ने राइबोसोम को मेजर करने का एक तरीका दिया, और मेजरमेंट के हिसाब से पता लगता कि किस सेल में कैसा है। तो अलग अलग कोशिकाओं में राइबोसोम अलग अलग तरह का होगा, कुछ में 70S होगा, कुछ में 80S होगा। वजन समझ लें, जैसे मास को द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, तो किसी का केजी में 10 केजी वजन हो सकता है, किसी का 20 केजी हो सकता है। लेकिन यहां दो ही तरह का मेजरमेंट है। कुछ राइबोसोम 70 तरह का है, कुछ 80 तरह का है। एस जो है स्वेडबर्ग यूनिट है। लेकिन ये ध्यान रखना कि 70S जो होता है यह प्रोकैरियोटिक सेल में होता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। और प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब वैसा सेल जिसमें केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस। ध्यान रखना है विदाउट न्यूक्लियस, बिना केंद्रक वाला। तो बिना केंद्रक वाला जितना कोशिका, मतलब प्राचीन कोशिका, जैसे बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और हमने पढ़ाया है आप लोग को, बताया वीडियो के माध्यम से कि पृथ्वी पर सबसे पहले बैक्टीरिया ही बना था, तो उसके पास केंद्रक नहीं, और इसे उसको प्रोकैरियोट मानते हैं। तो विदाउट न्यूक्लियस जिसमें केंद्रक ना हो वो प्रोकैरियोट, और ऐसे ऐसे कोशिकाओं में 70S मिले। जबकि 80S जो होता है वो यू कैरियोटिक सेल में होता, और यू कैरियोटिक सेल का मतलब विथ न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसमें केंद्रक हो, तो बैक्टीरिया वायरस इन सब को छोड़ दें तो बाकी जो कोशिकाएं हैं सब में केंद्रक, अमीबा से लेकर मानव तक, पेड़ पौधे जितने भी हैं सब में केंद्रक। और केंद्रक वाला जितना कोशिका होता है वो सब यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। अब यहां पर राइबोसोम के खोजकर्ता को भी याद रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट। अब खोजकर्ता की बात करें तो नाम है पलाडे। तो पलाडे ने इसको खोजा, इसलिए इसको ध्यान रखना। तो यही राइबोसोम से संबंधित बात। तो यहां पर जो भी स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता, तो इसको बार बार रिवाइज करें। जो हमने आपको एक चैनल दिया था जीएस विथ एच रोशन, ये ध्यान रखना है, टेलीग्राम पर जीएस विथ एच रोशन, जिसके द्वारा आप इस पढ़े हुए वीडियो क्लास के माध्यम से जो भी विषय पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने तैयारी को और अच्छे से आप मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो इस पर जीएस विथ एच रोशन ये टेलीग्राम पर है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिलते रहेंगे बीच बीच में। तो ये ध्यान रखना है, पर डे 21 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज पर चल रहा है, जिसका क्वेश्चन और अगले दिन आंसर शीट जारी किया जाता। तो ध्यान रखना है लॉकडाउन के समय में पूरा जीएस को कमांड करे। तो साइकोलॉजी में जो भी महत्वपूर्ण बात था वो सारा कुछ हमने यहां पर कंप्लीट किया। अब यहां के बाद
हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे जीव विज्ञान में जो इससे और ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो चैप्टर अब यहां से आगे बढ़ करके एक उत्तक की संरचना पढ़ना है हिस्टोलॉजी के रूप में। तो यहां तक आपका साइटोलॉजी चैप्टर कंप्लीट होता है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना जरूरी है वो मैंने आपको यहां पर उपलब्ध कराया। तो वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि, धन्यवाद।